Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ब्लाइंड से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल। नोटिफिकेशन को ऑन करें जिससे कि हमारी कोई भी वीडियो आपसे आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आइए चलते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल राष्ट्रीय ब्लाइंड में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आप WhatsApp पे फिंगरप्रिंट लॉक किस तरीके से लगा सकते हैं। जी, आप अपना फ़ोन किसी को देते हैं तो आपके WhatsApp पे पर्सनल कुछ ऐसे चैट्स रहते हैं जो आपसे गुप्त रखना चाहते हैं, तो मैं वही आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने WhatsApp को फिंगरप्रिंट से किस तरीके से लॉक कर सकते हैं, है ना, किस तरीके से आप अपने WhatsApp पे फिंगरप्रिंट लगा सकते हैं। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें, जिससे कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जरूर पहुंचे। और हाँ गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और आप लोगों ने अब तक हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करें, कि हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में आप टेक्नोलॉजी सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन से रूबरू हो सकते हो, यानी कई तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी और आप एक्टिंग जैसी चीज़ों में आगे भी बढ़ सकते हो। तो फीमेल के लिए भी अलग से ग्रुप बनाया गया है, तो अगर फीमेल भी ग्रुप में जुड़ना चाहे तो हमें अबाउट पर से मैसेज करें, या फिर हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9654223684। नंबर गाइस दोबारा दोहरा रहा हूँ, 9654223684। मैं नंबर आप लोगों को इसलिए भी दोहराता हूँ ताकि कई लोग अबाउट पेज में से नंबर नहीं निकाल पाते हैं, कई लोग नहीं विजिट कर पाते हैं, है ना, इसलिए कई लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है, बहुत से लोग हैं ऐसे, इसलिए मैं नंबर दोहरा देता हूँ वीडियो में। चलिए गाइस, व्हाट्सअप को लॉक करने के लिए हम लोग चलेंगे व्हाट्सअप में, ठीक है। अब किस तरीके से मैं आपको बताऊँगा फिंगरप्रिंट आप लगा सकते हैं। लेकिन गाइस एक चीज़ और, व्हाट्सअप में चलने से पहले मैं एक बात और कह रहा हूँ कि फिंगर लॉक लगाने के लिए आपके मोबाइल में फिंगरप्रिंट होना अनिवार्य है, यानी फिंगरप्रिंट आपके फ़ोन में होनी चाहिए। और यह भी आप ध्यान रखें कि वही फिंगर काम करेगा जो आपने, जैसे मान लो आपने अपने मोबाइल में फिंगरप्रिंट लगा रखा है, ठीक है, अपने मोबाइल में फिंगर लगाते हैं तभी आपका डिवाइस जो है वो अनलॉक होता है, तो जो फिंगर आपने लगाया वही फिंगर आपके व्हाट्सएप पर भी काम करेगा। चलिए सेट करते हैं व्हाट्सएप पर फिंगरप्रिंट, हम अपने सीधा व्हाट्सएप पर चलेंगे, है ना। तो आज वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें, नहीं तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, है ना। चलिए चलते हैं व्हाट्सएप में। गूगल हाई ब्राउजर कॉलम टू हाई थ्री मनी मैं पाम स्टोर। तो गाइस इसमें थोड़े ऐप्स बहुत सारे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, खैर कोई नहीं। प्ले सेटिंग सिम साउंड टी दो टेक्नोस विद मेट वॉइस चेंजर विद वॉलपेपर रोड वेदर कॉल व्हाट्सएप कॉलम तो व्हाट्सएप कॉलम ये है व्हाट्सएप, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक किया मैंने तो अभी हमारा व्हाट्सएप ओपन हो गया। सर्च आउट तो अब हमें चलना मोर ऑप्शन में, चलिए चलते हैं मोर ऑप्शंस, इसमें टैप करेंगे पॉप अप विंडो। अब हमें जाना है सेटिंग में, न्यू ब्रॉडकास्ट है ना, लिंक्ड सेटिंग में चलेंगे, स्टार्ट मैसेज पेमेंट्स सेटिंग्स, सेटिंग पे क्लिक करेंगे सेटिंग्स। तो स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूं, है ना, सेटिंग यू राहुल क्यूआर कोड अकाउंट प्राइवेसी सिक्योरिटी चेंज नंबर। तो यहाँ से इसमें चलेंगे अकाउंट प्राइवेसी सिक्योरिटी चेंज नंबर, इसमें क्लिक करेंगे, ठीक है, अकाउंट इस पे क्लिक करेंगे, नेविगेट अकाउंट प्राइवेसी प्राइवेसी इस पे चलेंगे, इस पे क्लिक करेंगे प्राइवेसी नेविगेट प्राइवेसी हु कैन सी इफ यू डोंट शेयर लास्ट सीन। तो यहाँ पर भी प्राइवेसी लगा सकते हो, प्रोफाइल फोटो इस पे ही प्राइवेसी लगा सकते हो,
अबाउट एवरीवन, अबाउट पे भी लगा सकते हो, स्टेटस माय कॉन्टैक्ट, स्टेटस माय कॉन्टैक्ट इसको भी आप देख सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी हम फिंगरप्रिंट लॉक लगाना सीखेंगे। रीड रिसीट्स इफ, हाँ, ग्रुप्स माय कॉन्टैक्ट, लाइव लोकेशन, लॉक्ड कॉन्टैक्ट, तो फिंगरप्रिंट लॉक डिसेबल्ड, फिंगरप्रिंट लॉक डिसेबल्ड है। अभी फिंगरप्रिंट हमने नहीं लगा रखे तो इसलिए डिसेबल्ड बोल रहा है, तो इसको हम अनेबल करेंगे। चलिए फिंगरप्रिंट पे मैं क्लिक करूंगा, फिंगरप्रिंट, चलिए क्लिक किया मैंने, फिंगरप्रिंट लॉक, नेविगेट अप बटन, फिंगरप्रिंट लॉक, अनलॉक विद फिंगरप्रिंट, व्हेन इनेबल्ड यू'ल नीड टू यूज फिंगरप्रिंट टू ओपन व्हाट्सएप, यू कैन स्टिल आंसर कॉल्स इफ व्हाट्सएप इज लॉक्ड ऑफ स्विच। तो गाइस इसका कहने का मतलब यह है कि जैसे एक बार आप ये दोबारा सुनिए ये चीज, फिंगरप्रिंट unlock with fingerprint, when enabled you'll need to use fingerprint to open whatsapp, you can still answer calls if whatsapp is locked off switch। तो गाइस इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो आप कोई और एप्लीकेशन चला रहे हैं, ठीक है, जैसे आप कोई youtube या कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हैं, तो whatsapp पर जैसे मान लो आपकी कॉल आ जाती है, वॉइस कॉल या वीडियो कॉल जो भी है, तो वहां पर आपको फिंगरप्रिंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वहां पर वैसे ही कॉल उठा सकते हैं, तो यही बता रहा है। तो फिंगरप्रिंट, हाँ, अनलॉक विद फिंगरप्रिंट, व्हेन इनेबल्ड यू विल नीड टू यूज फिंगरप्रिंट टू ओपन व्हाट्सएप, तो ये सेंटर व्यू कंटेनर व्हाट्सएप पे ही ओपन करेगा, तो हम इसको अनेबल्ड करते हैं। सेकंड, नेविगेट अप, हाँ, फिंगरप्रिंट लॉक, अनलॉक विद फिंगरप्रिंट, व्हेन इनेबल्ड यू विल नीड टू यूज फिंगरप्रिंट, इसको अनेबल्ड करते हैं, टच द फिंगरप्रिंट सेंसर, confirm fingerprint, fingerprint icon, fingerprint icon, touch the fingerprint sensor, हाँ, तो हम fingerprint यहाँ पे अपनी touch करेंगे, वाली finger लगाएंगे जो हमने मोबाइल में पासवर्ड डालते समय लगाया, जैसे कई हम लोग मोबाइल में fingerprint जो यूज करते हैं, हमें वही वाली finger लगानी है, तो finger touch करेंगे, fingerprint lock, unlock with fingerprint, when enabled you'll need automatically lock, तो यहाँ से आप ये भी कर सकते हैं, देखिए checked immediately, इसका कहने का मतलब ये है कि हाँ मैं ये बताता हूँ आगे, not checked after 1 minute radio button, after 1 minute, तो इसके बाद आप 1 minute, तो ये आपका ये, इसका कहने का मतलब ये है कि 1 minute बाद जब आप व्हाट्सएप ओपन करेंगे, तो मतलब ये देखिए checked immediately radio, अभी ये immediately है, जैसे आप व्हाट्सएप को ओपन करेंगे तो ये फिंगरप्रिंट मांगेगा, और ये देखिए not checked after 1 minute radio button, not checked after 1 minute, इसे आप व्हाट्सएप को ओपन करेंगे, ठीक है, तब ये 1 minute बाद जब आप इसे छोड़ देंगे तो ये ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप को लॉक कर देगा, ठीक है, और देखते हैं not checked after 30 minutes radio button, after 30 minute, ये भी वही है, ठीक है, 30 minute तक आप इसे नहीं ओपन करते हैं तो 30 minute बाद ये व्हाट्सएप को खुद ही खुद लॉक कर देगा, ठीक है। Show content in notifications, preview sender and message text inside new message notifications on switch। हाँ, तो ये मैसेज का वो है। Center view container, तो ये बस कुछ नहीं है, एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। Show content not checked after 30 minutes radio button। तो 30 मिनट तक आप व्हाट्सएप को ओपन नहीं करते तो 30 मिनट बाद व्हाट्सएप को ये लॉक कर देगा, ठीक है, not checked after 1 minute radio button। ये 1 मिनट है लेकिन हमने इसको checked immediately radio immediately button कर रखा है। immediately का मतलब ये है कि जैसे ही हम WhatsApp को ओपन करेंगे तो वहाँ पर ये हमारी फिंगरप्रिंट मांगेगा। चलिए बैक करके हम एक बार देख लेते हैं, बैक बटन, ठीक है, privacy, fingerprint, बैक बटन, navigation, हाँ, चलिए बैक करेंगे, account, privacy, एक मिनट गाइस, हाँ मैं एक चीज आपको और दिखा दूं कि जब हम privacy पे गए थे फिंगरप्रिंट पे, हम जब ने फिंगरप्रिंट पे हमने क्लिक किया था डिसेबल्ड बोल रहा है, अब जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो अनेबल्ड बोलेगा क्योंकि हमने फिंगरप्रिंट इसमें सेट कर रखी है। देखिए मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, ठीक है, अबाउट, स्टेटस, यहाँ से स्टेटस वगैरह पे भी आप प्राइवेसी लगा सकते हो, ठीक है, ग्रुप्स माय कॉन्टैक्ट, लाइव लोकेशन, लॉक्ड कॉन्टैक्ट्स, फिंगरप्रिंट लॉक अनेबल्ड इमीडिएटली। चलिए तो फिंगरप्रिंट लॉक अनेबल इमीडिएटली, तो अगर आप फिंगर नहीं लगाओगे, मतलब नहीं आपने लगा रखा होगा, तो आप जो है इसको इसको डिसेबल्ड बताएगा, अगर आपको इसको ऑफ करना है तो सेंटर व्यू कंटेन फिंगरप्रिंट लॉक एनेबल्ड इमीडिएटली प्राइवेसी, तो आप इस पे डबल टैप करेंगे तो आपका फिंगरप्रिंट हट जाएगा, ठीक है, लॉक्ड कॉन्टैक्ट्स नन, ठीक है, तो हम
क्लिक करेंगे button, पहले आपको उसमें क्लिक करना पड़ेगा फिंगरप्रिंट पे। जैसे आपको फिंगरप्रिंट हटाना है तो भी मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। हाँ, फिंगरप्रिंट लॉक, फिंगरप्रिंट पे हम क्लिक करेंगे। फिंगरप्रिंट, हाँ, फिंगरप्रिंट लॉक, नेविगेटर बटन, नेविगेटर, फिंगरप्रिंट लॉक। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप फिंगरप्रिंट आप हटा कह सकते हो, अभी तो हमने लगा दिया। Unlock with fingerprint. When enabled, you'll need to use fingerprint to open WhatsApp. You can still answer calls if WhatsApp is locked on switch. तो इस पे आप डबल टैप करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, तो आपकी फिंगरप्रिंट जो है वो हट जाएगी। और इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई और एप्लीकेशन यूज करते हैं तो आपके WhatsApp पे कॉल आ गई तो भैया ये वहाँ पर फिंगरप्रिंट नहीं मांगेगा, तो आप वहाँ से इसे उठा काट सकते हो, यानी डिक्लाइन एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पर इसका फिंगरप्रिंट का कोई काम नहीं है। चलिए बैक कर लेंगे। बैक बट प्राइवेसी, तो बैक करेंगे। बैक अकाउंट, चलिए बैक कर लेंगे। सेटिंग्स, बैक व्हाट्सएप सर्च, तो व्हाट्सएप से तो पूरा ही बैक आएंगे। ठीक है, iOS launcher, search apps. तो गाइस एक बार मैं दोबारा से WhatsApp पे क्लिक करूंगा। ठीक है, अब ये जब क्लिक करूंगा तो ये बोलेगा WhatsApp locked, वहां पर ये हमारी फिंगरप्रिंट मांगेगा। ठीक है, और हमें वही फिंगर लगानी है जो फिंगर हमने मोबाइल में फिंगरप्रिंट जो हमने अपने डिवाइस में फिंगरप्रिंट लगाते हैं डिवाइस अनलॉक करते समय, वही फिंगर हमें यूज करनी है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, दोबारा से हम WhatsApp पे चलेंगे। Maps, call, message, एक मिनट, थोड़ा WhatsApp जो है वो आगे चला गया है काफी। Play, setting, sound, ती दो है, एक मिनट, technos, voice change, what, weather, WhatsApp. WhatsApp, column 4. तो चलिए WhatsApp, ये हमारा WhatsApp मिल गया है ना। मैं भी चाहूँगा, इसमें काफ़ी ऐप है तो मतलब काफ़ी एप्लीकेशन है तो दिक्कत हो जाती है थोड़ा, है ना। चलिए अब मैं इस पर टैप करूँगा तो ये बोलेगा, देखिए apps, WhatsApp, WhatsApp locked, out of grid. देखिए WhatsApp locked बोला ना, अब ये देखिए फिंगरप्रिंट आइकॉन टच द फिंगरप्रिंट सेंसर। आपको स्क्रीन पे सब टच नहीं करना है, जब मैंने आपको पहले बताया कि आपका मोबाइल जो है वो फिंगरप्रिंट वाला होना चाहिए, तो हम एक बार फिंगरप्रिंट टच करेंगे तो हमारा ये WhatsApp खुल जाएगा। देखिए WhatsApp खुल गया है, देखिए खुल गया। सर्च, देखिए खुल गया। More options, चलिए बैक करेंगे। iOS launcher, WhatsApp, एक बार दोबारा से मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, दोबारा से ओपन करने के बाद ये बोलेगा WhatsApp lock। ठीक है, देखिए apps, WhatsApp locked, out of grid. तो हम जैसी फिंगर लगाएंगे वैसी ओपन हो जाएगा, है ना। अभी देखिए, जैसे मैंने भी डिवाइस में फिंगरप्रिंट लगा रखी है, डिवाइस अनलॉक करते समय दूसरी फिंगर में लगा के देखता हूँ, है ना, ये ऑन होता है कि नहीं। फिंगरप्रिंट नॉट रिकॉग्नाइज्ड, ट्राई अगेन। देखिए इसका कहने का मतलब है कि आपने फिंगरप्रिंट गलत लगाई है। तो गाइज हमें वही फिंगरप्रिंट इसमें यूज करनी जो हमने हम डिवाइस अनलॉक होते समय जो हम अपने मोबाइल में यूज करें। ठीक है, डिवाइस अनलॉक होते समय जो हमने लगाई है हमें वही फिंगरप्रिंट लगानी। चलिए लगा देते हैं। WhatsApp सर्च, चलिए बैक आ जाते हैं होम पेज पे और मुझे वाणी रिपीट कर लेते हैं। थोड़ा बैक, होम स्क्रीन 1 ऑफ 3 34 डिग्री। तो चलिए गाइस हम मुझे वाणी रिपीट कर लेते हैं। अगर आप भी WhatsApp पे फिंगरप्रिंट लगाना चाहते हैं, राइट, आपको WhatsApp पे जाना है, मोर ऑप्शन में जाने के बाद सेटिंग में जाने के बाद वहाँ जाना है आपको अकाउंट प्राइवेसी सिक्योरिटी, इसमें जाना है, प्राइवेसी में जाना है, फिंगरप्रिंट पे क्लिक करना है, तो आपको बताएगा कि फिंगरप्रिंट का मतलब वही जो कॉल मैसेज जो जैसे आप कोई अदर एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर ये काम नहीं करेगा। ठीक है, जैसे मान लो आप यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं तो आपको कोई व्हाट्सएप पर कॉल कर रहा है तो वहाँ से आप कॉल उठा सकते हैं, तो आप अनेबल इमीडिएटली भी कर सकते हैं, उस पर भी क्लिक करेंगे तो आपको एक बार फिंगरप्रिंट टच करने के लिए कहेगा, टच कर देंगे तो आपका लग जाएगा। 1 मिनट भी कर सकते हैं, आप 1 मिनट तक WhatsApp को ओपन नहीं करते हैं तो 1 मिनट वो बाद ये खुद ही लॉक कर देगा, आधे घंटे का भी 30 मिनट का भी है ना, आप तब तक 30 मिनट तक WhatsApp को ओपन नहीं करते तो ये खुद ही खुद ब्लॉक कर देगा। अगर आप इमीडिएटली पे करते जैसे मैंने किया है इमीडिएटली, ठीक है, उस पर अगर आप रखते हैं तो जैसे आप तो उसमें कोई भी टाइम नहीं रहेगा, जैसे ही आप WhatsApp से आप बैक होंगे
जैसे आप व्हाट्सएप खोलेंगे तो वहाँ पर आपका फिंगरप्रिंट मांगेगा। जब तक आप फिंगरप्रिंट नहीं लगाएंगे तब तक आपका वो व्हाट्सएप ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि फिंगरप्रिंट आपको वही लगानी है व्हाट्सएप में, जैसे आप लॉग मतलब फिंगरप्रिंट लॉक लगाएंगे आपको वही वाली फिंगर देनी है जो आप डिवाइस, जैसे मान लो अपने अपने फ़ोन में जो लगा रखी है, जैसे डिवाइस अनलॉक, जैसे कई लोग अपने मोबाइल में फिंगरप्रिंट लगा के रखते हैं, तो आपको वही फिंगर उसमें यूज़ करनी है व्हाट्सएप पर भी, ठीक है। तो इस तरीके से मान लो ये आपके लिए सिक्योर है, जैसे आपने किसी को फ़ोन दे दिया है तो आपका कोई भी व्यक्ति डिवाइस में जो है वो आपका व्हाट्सएप चेक नहीं कर सकते। जैसे आपने कभी भी किसी को फ़ोन चलाने के लिए दे दिया तो आपको कोई भी व्हाट्सएप नहीं खोल सकता, है ना, दूसरी फिंगर ये काम नहीं करेगा। चलिए गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है होगी, मतलब तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। तो गाइज़ मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को वॉच करने के लिए। और हाँ, लास्ट में जाते जाते मैं कह रहा हूँ गाइज़, लाइक्स बहुत कम आप लोग करते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर तो ज़्यादा किया करें, है ना। वीडियोज़ को अपलोड करने में बनाने में मेहनत भी लगती है, तो वीडियो पर लाइक और शेयर ज़रूर किया करें ताकि आपके और भी भाई लोग हमारी वीडियोज़ को देख पाएँ, है ना। चलिए गाइस, मैं मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में, अपने किसी और कार्यक्रम में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को वॉच करने के लिए, थैंक यू।